जिंदगी में नौकरी की पहली सैलरी मिलने की खुशी क्या होती है और इस खुशी का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण है बिहार की रहने वाली स्नेहा शर्मा, जो बीपीएससी पास कर टीचर बनी और अपनी पहली सैलरी से बैग, कलम और कॉपी खरीद कर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के बीच बांट दिया। स्नेहा की इस कोशिश की हर कोई तारीफ कर रहा है। आपको बता दें कि टीचर बनने के बाद स्नेहा ने अपने जीवन की पहली कमाई को इधर उधर खर्च करने के बजाय झुग्गी में रहने वाले बच्चों के बीच कलम, कॉपी, स्कूल बैग, वाटर बोतल खरीद कर उसका वितरण कर दिया। स्नेहा ने बच्चों को बैग बांटते हुए कहा कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन अपनी पहली सैलरी का कुछ हिस्सा जरूरतमंद बच्चों के बीच बांटकर खुशी का एहसास हो रहा है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।